आज बसंत पंचमी के दिन राघव क्लासेस की ओर से मैं राजेश कुमार राघव आप तमाम बच्चों को शुभकामना देता हूँ। माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर आपको सफल बनाए, माँ सरस्वती आपके सफलता का मार्ग प्रशस्त करें, आपको विवेकवान और बुद्धिमान बनाए। माँ सरस्वती से ये प्रार्थना करते हुए राघव क्लासेस के ऑनलाइन जो कार्यक्रम हमारे होते हैं उस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। पिछले मात्र 2 दिन से थोड़ी सी एक्टिविटी हम यूट्यूब पे राघव रीजनिंग क्लासेस पटना के माध्यम से आपको प्रस्तुत कर रहे हैं, जिस कड़ी में हम लोगों ने एक एपिसोड स्टार्ट किया है जिसमें कोई भी बच्चे पूरे भारतवर्ष के कोई भी स्टूडेंट, जहाँ तक ये वीडियो पहुँच पाता है, कोई भी स्टूडेंट को रीजनिंग में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तत्पर हैं। और हम चाहते हैं कि जो बच्चे भी मेरे साथ जुड़ जाएं उसके रीजनिंग की समस्या को हम समाप्त कर दें। इसके लिए हम समय समय पर कई योजनाएं चलाया करेंगे। अभी उस कड़ी में राघव रीजनिंग क्लासेस पटना के माध्यम से एक योजना पर काम हो रहा है, बस जस्ट बिगनिंग है और शुरुआत होते ही आप बच्चों ने इतना प्यार किया है राघव क्लासेस को जैसे इसका ऑफलाइन में जलवा हुआ करता था, कुछ उसी कदर आप मात्र 2 दिन में काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं और काफ़ी मतलब गुणवान कार्य कर रहे हैं आप लोग। कि एक इसमें योजना हमारी है कि एक बनाया गया है क्लब, राघव रीजनिंग क्लब, और उस क्लब के माध्यम से काफ़ी बच्चे उस क्लब को ज्वाइन कर रहे हैं। क्लब का पर्पस ये है जो हम यहाँ पे समझा रहे हैं। इस वीडियो का ज़रूरत क्यों पड़ा ये आपको अभी हम जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहले राघव रीजनिंग क्लब क्यों ज्वाइन करें, तो पॉइंट नंबर 1, यदि आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, देखो ये हम वैसे ही बच्चों के लिए ये श्रृंखला है जो रोज क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, बट नॉट ओनली प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, राइट वे प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो हम आपको सही मार्ग पर प्रैक्टिस आपकी हो सके इसके लिए हम कुछ हेल्प आपको कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। हम सभी लोगों को यूट्यूब का इस मामले में शुक्रगुजार होना चाहिए कि आज ये ऐसा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन मिल गया है कि आप सब लोगों को बिना शुल्क के सारी चीज़ें मिल जाती है। नहीं तो राघव क्लासेस लोग गांव से चलकर आते थे, आज भी आ रहे हैं, ऑफलाइन क्लास भी हमारा स्टार्ट हो गया है, लेकिन अब किसी को पछताना नहीं पड़ रहा है कि अगर नहीं भी आ रहे हैं तो घर बैठे भी कुछ न कुछ हेल्प हो ही जा रहा है। तो हम इस मामले में एक हेल्प कर रहे हैं वैसे बच्चों के लिए ये श्रृंखला है जो डेली प्रैक्टिस करते हैं और रीजनिंग में उसको कोई अगर समस्या आती है, चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे वो BSSC का हो, SSC GD हो, SSC CGL हो, SSC CHSL हो, SSC MTS हो, बैंक क्लर्क का एग्जाम हो, बैंक PO का हो, बैंक क्लर्क का IBPS का हो, बैंक क्लर्क का SBI का हो, बैंक PO का आप SBI PO का करें, SBI क्लर्क का करें, कोई भी एग्जाम जहाँ रीजनिंग है, अगर आपको उसमें कोई परेशानी है तो मैं राजेश कुमार राघव आपके साथ हूँ और आपकी परेशानी को दूर करने के लिए हमने इस श्रृंखला को चलाया है जिसमें एक ग्रुप बना हुआ है राघव रीजनिंग क्लब। ये देखो ये ग्रुप व्हाट्सएप पर बना हुआ है, आपको एक नंबर है राघव क्लासेस का ही पुराना नंबर है जो ऑफलाइन बंद होने के बाद बंद पड़ा था, हमने उसी नंबर पे, लेकिन आप केवल व्हाट्सएप करेंगे, कंप्यूटर में ओपन होता है ये, तो उसको चालू करा करके ये नंबर है 9431645714। काफ़ी बच्चे इसमें मैसेज करके अपने आप को क्लब में ज्वाइन करवा रहे हैं, लेकिन आप इसमें ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप से आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि अब जो हमारे काम करने वाले हैं वो बताएं कि सर लिंक दे दीजिए ग्रुप में, एक एक करके जोड़ने में
अब उनको दिक्कत भी आने लगी क्योंकि उनका काम थोड़ा बढ़ गया है, आप क्वेश्चन भी भेजने लगे हैं, अच्छी बात है ये, और क्वेश्चन का भी पीडीएफ में कन्वर्जन होता है, इसलिए आपको बताते भी हैं जो बच्चे जुड़ चुके हैं कि आप जो ग्रुप है ना उसमें सिर्फ क्वेश्चन ही भेजिए, इमेज भेजिए, क्वेश्चन का फोटो खींचिए और भेजिए, तो उससे फायदा होगा कि आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं दिक्कत आ गया तो होता क्या है, विद्यार्थी जब प्रैक्टिस करता है और कोई क्वेश्चन में अटक गया, अब बार बार अटक रहा है तो धीरे धीरे उसका प्रैक्टिस से मन अलग हो जाता है, प्रैक्टिस करने का मन नहीं करता है, तो ये असफलता की तरफ धकेल देता है बच्चों को, इसलिए हम आपको सपोर्ट करेंगे और आपके प्रश्नों को हल करेंगे। ऐसे हम देख पा रहे हैं कि राघव क्लासेस का जो ये रीजनिंग क्लब बना है, इतने गुणवान बच्चे आप लोग हैं, इतना मददगार हैं कि काफी बच्चे खुद से उस क्वेश्चन को देखता है और सॉल्व भी करता है। आप सोचो ये कितना चैलेंजिंग क्लब हो गया कि आपको इसमें कोई क्वेश्चन भेज रहा है तो वैसा ही क्वेश्चन भेज रहा है ना जिसमें कुछ अटक जाने का चांस है, आप वैसा क्वेश्चन सॉल्व करने का मौका मिल रहा है आपको, खुद से सॉल्व भी करते हैं, जो बच जाता है नहीं सॉल्व हो पाता है तो उसको हम डिस्कस कर देते हैं और फिर आप प्रैक्टिस अगले दिन करते हैं। एक बच्चे एक दिन में एक क्वेश्चन भेजेंगे क्योंकि काफी बच्चे हैं, तो एक दिन में कोई भी स्टूडेंट एक क्वेश्चन, फिर अगला दिन अदर क्वेश्चन, फिर अगला दिन अदर क्वेश्चन, ऐसे करके आप भेजिए और उसमें सॉल्यूशन पाइए, ये योजना हमारी है। इसको हम यूट्यूब पर आप जो भी क्वेश्चन भेजते हैं उसको डिस्कशन करके, अभी रिकॉर्डेड कमिंग डेज में हम इसमें कुछ लाइव का भी सिस्टम स्टार्ट करेंगे और आपको हम अपने चैनल के माध्यम से सूचना देते रहेंगे। तो पहले तो इमेज सेंड करना है और कुछ भी उसमें हम देख रहे हैं कि ग्रुप में कुछ भी नहीं सेंड करते हैं आप, इवन कि कोई बच्चे किसी को गुड मॉर्निंग हाय हेलो भी नहीं करता, ये अच्छी बात है। देखो हम सब लोग तो एक दूसरे के प्रति श्रद्धावान रहेंगे ही, हम काम पर फोकस करें। एक्चुअली आप कुछ भी दूसरा चीज लिखते हैं तो जो इसका स्कैनिंग करने करके पीडीएफ तैयार करने वाले उनको दिक्कत होती है, इसलिए आप बहुत सही कर रहे हैं, आप कर रहे हैं ऐसा कि आप सीधे क्वेश्चन का उसमें इमेज भेज देते हैं। हाँ अपने इमेज के साथ ही अपना नाम भी लिख दीजिए तो और बेटर है, तो आपका नाम के साथ ही हम देख लेंगे कि कहाँ से किन बच्चों को कहाँ से दिक्कत हुआ था और वो हम बता भी देते हैं ऑनलाइन डिस्कशन के दौरान। दूसरा पॉइंट देखिए है, आपके भेजे गए प्रश्न जो मैं सॉल्व करूंगा, ये लिख दिया गया है कि राघव सर अपने यूट्यूब क्लास वीडियो में सॉल्व करेंगे तो मैं सॉल्व करूंगा। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो देखते हैं कुछ बच्चों को ये चीज समझने का जरूरत है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से सॉल्व करिए। देखो अब तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही बहुत है जी, क्योंकि पहले तो एग्जाम होता था कम, अब क्या होता है ऑनलाइन पोर्टल पर एग्जाम होता है, टीसीएस वगैरह लेता है तो कई पालियों में एग्जामिनेशन होता है और कई पालियों में होने के वजह से प्रश्नों की संख्या काफी ज्यादा रहती है, तो ये बुक के माध्यम से बाजार में ये सारा चीज अवेलेबल है, तो आप जिस एग्जाम का तैयारी करें हम सीरियसली इस बात को बोल रहे हैं कि आप प्रीवियस क्वेश्चन से बनाइए, क्योंकि अगर प्रीवियस कितना हेल्प करता है आपको ये समझिए कि प्रैक्टिस तो दुनिया भर सेट आपको मिल ही जाता है, दूसरा आप टू द पॉइंट चलते हैं, अननेसेसरी उठपटांग क्वेश्चन को बनाना और ये समझना कि हम बहुत हार्ड रीजनिंग बना रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा बिजनेस करने वाले कुछ लोग कर देते हैं कि अननेसेसरी का क्वेश्चन हार्ड दे दिया जिसका कोई जरूरत नहीं है, हमको एग्जाम के पैटर्न पर चलना चाहिए, किसी के पर्सनल थॉट को आप थोड़े सॉल्व कर सकते हैं, एग्जाम में जो प्रश्न क्वेश्चन होते हैं वो पर्सनल थॉट बेस्ड नहीं होते हैं, वो लॉजिकल थॉट बेस्ड होते हैं, जो कॉमन पीपुल का लॉजिक बन सकता है, जो उस जॉब में रहने वाले का लॉजिक होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग देता है, इसलिए आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे आप टू द पॉइंट भी रहेंगे, सिलेबस का पता भी आपको रहेगा और आपका इस मामले में हौसला भी बना रहेगा कि हम एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करें, इसलिए प्रीवियस सॉल्व करिए और उसी का प्रश्न हमको भेजा करिए, आप ग्रुप में सीधे उसका इमेज भेज दीजिए। हम आज भी जो ये वीडियो आपको दे रहे हैं इसमें भी ग्रुप का लिंक दे देंगे, तो जो बच्चे नहीं ज्वाइन कर पाए हैं और ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसमें लिंक से, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा उसी से आप ज्वाइन करिएगा, ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा उसे ज्वाइन करिएगा। और जो ये राघव रीजनिंग क्लासेस का जो ये चैनल है आप इसका एक एक वीडियो देखते रहिएगा, हम उपयोगी चीज कभी नई योजना पर काम करेंगे, जैसे अभी आप इस वीडियो को जब देखेंगे
तो आप हमको कमेंट करके बताएंगे। हम रात में एक एलपी का शुरू करना चाह रहे हैं, 11 बजे से एलपी के लिए, एलपी का वैकेंसी आ चुका है, एलपी के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उसमें सॉल्व करना चाहते हैं, हमारी एक योजना है। और एक योजना और भी है कि हम चैप्टर वाइज भी करेंगे, तो हम देखते हैं एलपी के लिए करना होगा तो उसमें कुछ चैप्टर वाइज कर देंगे और कुछ प्रीवियस ईयर करेंगे। तो एलपी पर हमारी योजना है, आप जितने लोग भी इस वीडियो को देखिए इस पर आप कमेंट करेंगे। हम मैथ मस्ती चैनल जो मेरे स्टूडेंट का ही है, विपिन का, तो उस चैनल पर भी क्लास ले रहे हैं, काफी बच्चे देखे भी होंगे हमको उस चैनल पर, हम वहां भी क्लास ले रहे हैं, यूट्यूब पर भी लाइव वहां बिहार एसएससी का कर रहे हैं। आज उन बच्चों से डिस्कस किए थे इस मामले में, तो काफी बच्चों ने एलपी के लिए यस कहा कि हाँ सर स्टार्ट करिए, लेकिन कुछ बच्चे बोल चुकी हैं वो सिर्फ बिहार एसएससी को फोकस करने वाले थे, तो वो बोले कि नहीं सर इसमें बिहार एसएससी ही चलने दीजिए। और तो विद्यार्थियों के मन में ऐसा है कि सर का जो दूसरा चैनल जो राघव रीजनिंग क्लासेस का है उस पर एलपी हम कर लेंगे, इसलिए भी ऐसा कहा होगा, तो हम कर देंगे वैसा कि हम एलपी के लिए इधर ही एक कोशिश करेंगे, उसमें भी हम लाइव करने का, नहीं तो रिकॉर्डेड तो हम कर ही सकते हैं, तो आप इस बारे में कमेंट करेंगे। अब चूंकि हमारा ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन भिकना पहाड़ी में हुआ करता था और काफी बच्चे पढ़ते थे, कोरोना के बाद हम थोड़ा सा मतलब समझो कि जो बीच में कोरोना की वजह से क्लास नहीं हो पाया, तो फिर हम स्टार्ट ही नहीं किए, 2 साल 2.5 साल ऐसे ही निकल गया। लेकिन बाद में फिर जब अब आ गए हैं तो हम पूरे फोर्स के साथ काम करने के लिए आ गए हैं, ईश्वर की कृपा रही, तो हमारे साथ जो भी बच्चे जुड़ेंगे उसको रीजनिंग में तो हम कोई दिक्कत आने ही नहीं देंगे, चाहे वो हमारे चैनल से जुड़े, चाहे वो हमारा जो दूसरा चैनल मैथ मस्ती है उससे जुड़े, चाहे वो हमारा मैथ मस्ती का एक ऐप भी है जिस पर कि आज ऑफर भी है, हम आपको भी बता दे रहे हैं जो भी इस वीडियो को देखेंगे, आज के लिए सरस्वती पूजा का आज एक ऑफर है, तो आप जो लोग देखेंगे तो उसमें ऑफर में 299 में ही फुल कोर्स उसमें मिल रहा है, तो आप चाहें तो उसको भी प्ले स्टोर से मैथ मस्ती को डाउनलोड कर लें और राघव सर का जो वीडियो वाला सेक्शन है वहां जाकर के परचेज करके आप पेड कोर्स भी पढ़ सकते हैं। ऐसे यूट्यूब पर हमारा कार्यक्रम चालू ही रहेगा दोनों जगह, मैथ मस्ती वाले चैनल पर भी और राघव रीजनिंग क्लासेस के चैनल पर भी। तो इस पर हम एलपी का एक रात में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की योजना बना रहे हैं, जिसमें पहले थोड़ा हम चैप्टर वाइज बता देंगे अतः प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। आप इस पर क्या महसूस करते हैं, क्या ऐसा करना विद्यार्थी के लिए हित के लिए रहेगा? हम तो जान रहे हैं कि हित के लिए रहेगा और हमको लगता भी है कि आप इसमें हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिर भी आप कमेंट में इन चीजों को जरूर लिखेंगे कि ये सर एलपी के लिए शुरू किया जाए। और वीडियो को चूंकि हमारा अभी बिगिनिंग है, दूसरा दिन ही हम आपके इस वीडियो के साथ, तो दूसरा दिन आपको मिल रहा है ये वीडियो, तो आप लोगों को वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना पड़ेगा ताकि हमारे जितने भी ऑफलाइन के बच्चे हैं उनको ये पता चल जाए कि हाँ हमने क्लास स्टार्ट कर दिया, क्योंकि काफी बच्चे चिंतित भी थे कि सर क्यों नहीं क्लास कर रहे हैं, सर को कोई परेशानी तो नहीं है, तो कम से कम कितना तो जॉब में चला गया है, तो उसको ये पता भी चल जाए आप लोग के माध्यम से कि नहीं सर बिल्कुल स्वस्थ हैं और बहुत आराम से फिर से पूरे जोरदार तरीके से काम कर रहे हैं। इसलिए आप हमारे इस चैनल के जो भी वीडियो हैं उसको लाइक जरूर करिए, लाइक करने से भी पहुंच जाता है दूसरे लोगों तक ये वीडियो, लाइक करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें, हम इस बात के लिए आपको कहेंगे। और आज तो ऑफर भी है मैथ मस्ती चैनल पर, जहां हमारा कि पेड कोर्स भी है, तो आप उस ऑफर का भी लाभ ले सकते हैं। हाँ मेन बात हम इसमें ग्रुप का ही सूचना देने के लिए दिए हैं कि आप ग्रुप में सिर्फ इमेज भेजेंगे या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेंड किया करिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और पुनः कमिंग वीडियोज में फिर हम उसको जो भी क्वेश्चन आप भेजेंगे उसको कोई सेट के साथ रख करके सॉल्व करके देंगे। पिछले क्लास में तो सिर्फ भेजे गए प्रश्न को ही हम कर पाए थे, लेकिन हम कोई और योजना जो बनाएंगे उसके साथ ही, नहीं तो अभी बिहार एसएससी का कोई सेट करके करेंगे, उसी में क्वेश्चन भी करेंगे, अगर क्वेश्चन ज़्यादा हो गया आपका तो क्वेश्चन को कर लेंगे। तकरीबन हम चाहते हैं कि आधे घंटे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम करके आपको दें, तो
आज हम इस वीडियो को अब यहीं पर एंड करते हैं और ईश्वर से फिर माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं आपके उज्ज्वल भविष्य का। आपको पढ़ाई में मन लगता रहे, आप खूब मन लगाकर पढ़ें, खूब प्रैक्टिस करें और रीजनिंग के लिए तो हमें ही। बहुत बहुत धन्यवाद।